आज हिंदी दिवस के अवसर पर तमाम उन लोगों को कुमार विश्वास द्वारा लिखित पंक्तियों से एक पैगाम देना चाहूंगा जो भारत में रहकर हिंदी बोलने से कतराते हैं, जो रहते हिंदुस्तान में हैं पर गाते हैं इंग्लिस्तान की, साथ ही हिंदी बोलने पर पिछड़ेपन का तमगा देते हैं। साथ रहो तो सबसे बेहतर, मौन रहो आभारी है, सत्ता की कविता से केवल इतनी रिश्तेदारी है। सारी दुविधा प्रतिशत पर है, सच कितना बोला जाए। अब गूंगे बता रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए। नमस्कार, दमदार खबर हर बार और अमन त्रिपाठी के साथ आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। आज साहित्य के गलियारे से उस हिंदी भाषा के चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ जिस भाषा के कारण मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने में सक्षम हूँ। हर साल हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन ही देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। साल 1953 में पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन हुआ था, तभी से यह सिलसिला बना हुआ है। हिंदी दिवस को मनाने का उद्देश्य हिंदी भाषा की स्थिति और विकास पर मंथन को ध्यान में रखना है। देश में करीब 70% से भी ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं। सरकारी कार्यालयों और शिक्षण संस्थानों में 15 दिन तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा की ओर से हिंदी को आजाद भारत की मुख्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343(1) में किया गया है। अनुच्छेद के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। हिंदी पूरे विश्व में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। वहीं दूसरी ओर भारत में अन्य कई भाषाएं विलुप्त होती जा रही हैं, जो चिंतन का एक विषय है। ऐसे में हिंदी की महत्ता बनाए रखने और प्रचार प्रसार के लिए हिंदी दिवस को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आज के दिन स्कूल कॉलेजों में हिंदी दिवस से संबंधित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा आज के दिन हिंदी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को पुरस्कार दिया जाता है। हिंदी भाषा के उत्थान और उसे आधिकारिक रूप से पहचान दिलाने के लिए कई लोगों ने अहम प्रयास किए। उनमें उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी, पत्रकार काका कालेलकर, कवि मैथिली शरण गुप्त और लेखक सेठ गोविंद दास शामिल थे। मीडिया दरबार की ओर से मैं आप सभी को हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। आप लोगों से भी यही अनुरोध है कि हिंदी भाषा का प्रचार करें, प्रसार करें और आधुनिकता की इस भाग दौड़ में हिंदी भाषा को वो सम्मान दें जिस सम्मान की हिंदी हकदार है। नहीं पड़ता है फर्क हमें हम गुजराती या सिंधी हैं। हम पहले हैं भारतवासी, रग रग में दौड़ती हिंदी है। फिलहाल साहित्य से जुड़ी रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आगे भी आपके साथ जुड़ेंगे साहित्य से जुड़ी एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल मीडिया दरबार से। धन्यवाद।